का जो चैप्टर है बीकॉम में भी है और भी क्लासेस में है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है कि हम एक नया पार्टनर एडमिट करना चाह रहे हैं। हम क्यों नया पार्टनर एडमिट करना चाह रहे हैं? हो सकता है हम और कैपिटल चाह रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, नया पार्टनर आएगा कैपिटल लेके आएगा, या हो सकता है हमें ऐसा पर्सन चाहिए बिजनेस में जिस पर काफी सारा एक्सपीरियंस हो, या ऐसा पर्सन चाहिए जिसकी गुडविल अच्छी हो, रेपुटेशन अच्छी हो, और भी रीजन हो सकते हैं। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो पहला कंसेप्ट आपको सीखना रहता है वो रहता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई पुराने पार्टनर थे तो रेशियो पुराने के हिसाब से चल रहा था, अब जब नया पार्टनर आएगा तो रेशियो में चेंजेस आएंगे। इन चेंजेस में चार कंसेप्ट आपको समझने हैं, आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। बहुत से बच्चों के रेशियो में दिक्कत आ जाती है, समझ सकता हूं। रेशियो में चार कंसेप्ट बताऊंगा, इन चार के अलावा कुछ भी कंसेप्ट आएगा नहीं, प्लस अगर ये चार आ गए तो आपको सब इजीली लगेगा। सबसे पहला कंसेप्ट समझते जाना, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन में आपको ओल्ड पार्टनर्स दे रखे हैं, ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है और न्यू पार्टनर का रेशियो दे रखा है, बस और कुछ नहीं दे रखा। उस क्वेश्चन में हम करते हैं लेट द प्रॉफिट बी वन वाले फंडे से, मतलब यहां आपको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कह रहा है एबीसी तीन पार्टनर है 3:2:1 यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6। डी आया उसका शेयर है 1/6 और तो कुछ नहीं कह रहा। इस केस में हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो है 1, लेट द प्रॉफिट बी 1। अब क्या करेंगे, 1 में से जो डी का शेयर है 1/6 वो माइनस करेंगे तो 5/6 आएगा। अब ये 5/6 जो रिमेनिंग पार्टनर है ए 3/6 × 5/6, ऐसे ही बी 2/6 × 5/6, ऐसे ही सी 1/6 × 5/6 करेंगे। 5 × 3 = 15/36, 10/36, 5/36। यहां देख रहे हो सबके नीचे क्या आ रहा है 36, यहां डी पे क्या है 6 है। कितने का मल्टीप्लाई करें जो 36 आ जाए, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। और रेशियो क्या कहता है, जितने का मल्टीप्लाई नीचे उतने का मल्टीप्लाई ऊपर, यानी कि 1/36। तो न्यू रेशियो क्या आएगा, 15:10:5:6, कोई दिक्कत। ये तो पहला केस कहता है। दूसरा केस कहता है समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। कभी कभी जो मेरा पार्टनर होता है, जो हमारा नया पार्टनर होता है, वो अपना रेशियो पुराने पार्टनर से इक्वली के हिसाब से ले लेता है। जैसे यहां देखो एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आर और एस दो पार्टनर हैं, 7:5 उनका रेशियो है। गोपी न्यू पार्टनर आई, उसने अपना शेयर, उसका शेयर था 1/6 और ये शेयर इक्वली लिया है पार्टनर से। जब भी कभी इक्वली की बात आए, अब यहां देखो इक्वली लिया है पार्टनर कितने हैं, 2, तो हम 1/6 का इक्वली करेंगे 1/2। यही तीन पार्टनर होते तो 1/6 × 1/3 करते, तो 1/6 × 1/2 करा तो कितना आया 1/12, यानी कि 1/12 दिया है आर ने और 1/12 ही दिया है एस ने। तो इस केस में हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो के लिए आर का शेयर 7/12 प्लस कितना दिया है 1/12 दिया है, यानी कि 6/12 है आर का। ऐसे ही एस का करेंगे तो 5/12 − 1/12 करेंगे, कितना आएगा 4/12। अब क्योंकि यहां देख रहे हो यहां भी 12 है नीचे, यहां भी 12 है नीचे, सॉरी यहां भी 12 है नीचे, तो गोपी का शेयर आप कैसे निकाल सकते हो, आप गोपी का शेयर 1/6 है, 12 लाने के लिए क्या करूं, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे, रेशियो आ जाएगा आपका 6/4/2। क्लियर है, ये था सेकंड केस। थर्ड केस पे आते हैं, थर्ड केस में क्या है, समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेज इट शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। इससे सेकंड कंसेप्ट था उसमें क्या बता रहा था कि कभी कभी जो नया पार्टनर है उसने अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से इक्वली लिया, अब नया पार्टनर है वो अपना शेयर एक पर्टिकुलर रेशियो में ले तब क्या होगा। यहां देखिए ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो 3, सी का शेयर है 3/6
और थ्री अपॉन सेवन, और सी ने थ्री अपॉन सेवन इस तरीके से लिया है कि ए से लिया है टू अपॉन सेवन और बी से लिया है वन अपॉन सेवन। तो आप क्या करेंगे, ए का शेयर है सेवन अपॉन टेन, ए ने कितना दिया टू अपॉन सेवन, इसे सॉल्व कर लेंगे सेवेंटी करके, ऐसे ही बी का सॉल्व कर लेंगे, बी ने कितना दिया है टू वन अपॉन सेवन, है ना, इसे करके क्लियर हो जाएगा। फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली केसेस में बच्चे यहां अटकते हैं। समटाइम्स द ओल्ड पार्टनर सरेंडर ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। कभी कभी जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो अपने शेयर का एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन देते हैं न्यू पार्टनर को। सबसे पहली बात एक चीज याद रखनी है, बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब ओल्ड पार्टनर्स में से शेयर डायरेक्टली माइनस करना है और कब पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है फिर माइनस करना है। अगर आपको फ्रॉम दिख रहा है कि नया पार्टनर ने शेयर उससे लिया है, फ्रॉम हिज शेयर लिया है, तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे। अगर वहां ऑफ लगा हुआ है, ऑफ हिज फेवर, ऑफ सरेंडर, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। जैसे अब यहां देखना, ए बी दो पार्टनर थे, सेवन रेशियो थ्री, ए सरेंडर टू अपॉन सेवन ऑफ हिज शेयर, यानी कि ए ने अपने शेयर का टू अपॉन सेवन, ए का शेयर कितना था सेवन अपॉन टेन, इसका टू अपॉन सेवन हिस्सा दिया है, यानी कि फोर्टीन अपॉन सेवेंटी, 14 अपॉन 70 किसने दिया है, ए ने दिया है। ऐसे ही बी ने 1 अपॉन 7 ऑफ हिज शेयर, यानी कि बी का शेयर कितना था 3 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 7, यानी कि बी ने कितना दिया है 3 अपॉन 70, ये इन दोनों ने दिया है। अब क्या करेंगे, ए में से 7 अपॉन 10 में से 14 अपॉन 70 माइनस, क्योंकि उतना दे चुका, ऐसे 3 अपॉन 10 में से 3 अपॉन 70 माइनस, क्योंकि बी इतना दे चुका। सी का कैसे निकालेंगे, कितना दे चुका, ये इसने दिया, ये इसने, ओ ये इसने दिया, दोनों को ऐड कर दोगे तो सी का आ जाएगा। यहां पहले क्या करा, पहले मल्टीप्लाई किया फिर माइनस किया। ये फोर्थ केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें पहले हम मल्टीप्लाई करके शेयर निकालते हैं और फिर माइनस करते हैं। तो ये तो था आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये चार पॉइंट है, इन्हीं चारों में से आपका रेशियो आता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे किया है। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा, देखा होगा, है ना। आज हम आए हैं पार्ट टू पर, और पार्ट टू में हम समझने वाले हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गुडविल के बारे में। सैक्रिफाइस रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया होता है, न्यू रेशियो हमने निकालना सीखा है। अब सैक्रिफाइस रेशियो हम निकालते क्यों है, देखो फॉर एग्जाम्पल पहले दो पार्टनर थे ए और बी, और प्रॉफिट होता था जो भी 50,000 का, वो ये लोग इस रेशियो में बांट लेते थे, यानी कि 30,000 ए को मिलता था और 20,000 बी को मिलता था। लेकिन अगर अब मान लो अगर एक नया पार्टनर आया था है सी, तो क्या जितना इसको मिल रहा था या जितना इसको मिल रहा था उतना ही मिलेगा, हो सकता है कम मिले, हो सकता है एक का बराबर है। यानी कि एक नए पार्टनर के आ जाने से जो पुराने पार्टनर है वो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। हमेशा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो गुडविल नया पार्टनर लाता है उस गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को बांटा जाता है। क्यों, ये एक तरीके का नए पार्टनर द्वारा एक कंपनसेशन होती है जो कि ओल्ड पार्टनर्स को पेड करी जाती है, इसलिए कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपना रेशियो। इसलिए गुडविल पेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो। अब जब नया पार्टनर आता है तो उसके भी कुछ कंसेप्ट होते हैं कि गुडविल कैसे ट्रीट करी जाती है, कब प्राइवेटली पेड करे। तो अब जो आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है उसमें जो सेकंड टॉपिक है वो है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब कि फर्म की गुडविल होती है, फर्म की एक रेपुटेशन होती है, उसकी वैल्यू होती है, उस गुडविल में से हर पार्टनर को कुछ ना कुछ पेमेंट लगाना पड़ता है। आपको पैसे कैसे निकालोगे, कोई नया पार्टनर आया तो वो गुडविल कितनी लेके आएगा वो डिपेंड करता है कि हमारी फर्म की गुडविल है कितनी। तो उसका फॉर्मूला होता है कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ गुडविल जो फर्म की है इनटू शेयर सैक्रीफाइस, है ना। तो देखिए इसके केसेस होते हैं, सबसे पहला जब हमारा नया पार्टनर है उसने प्राइवेटली पेड करी है गुडविल,
तो अगर प्राइवेटली पेड गुडविल करिए तो गुडविल की तो कोई एंट्री शो नहीं होगी, लेकिन अगर वो कैपिटल भी लाया है तो उसकी एंट्री पास होगी, सिर्फ कैश या बैंक अकाउंट DR2 जो पार्टनर आया उसका नाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इसी केस में कोई गुडविल ऑलरेडी अपियर है यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल, तो पहले उसको बांटेंगे उसके बाद यहां बढ़ेंगे। कैसे बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट DR2 गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में बटेगी। दूसरा केस आता है गुडविल का, जब हमारा व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश एंड रिटेन द बिजनेस, नया पार्टनर जितनी गुडविल लानी थी उतनी लाया और बिजनेस में लगा दी। तो इसमें हम देखेंगे कि कहीं पहले पुरानी गुडविल तो नहीं दे रखी, एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं दे रखी, उसे बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? अभी मैंने आपको एंट्री बताई यहां पर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 गुडविल अकाउंट, ये बट गई ओल्ड रेशियो में। उसके बाद पार्टनर गुडविल लाएगा और कैपिटल लाएगा, लाने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट DR2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद ये गुडविल जो हमारे ओल्ड पार्टनर है उनमें बांटी जाएगी, तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR2 सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। सेक्रीफाइजिंग मीन्स अगर किसी पार्टनर का आप शेयर निकालते हो और वो माइनस में सॉल्व करके आ रहा है यानी कि उसे गेन हो रहा है, तो उस पार्टनर को हम यहां DR करेंगे, है ना? ये आपको मालूम ही करा होगा आपने फंडा। अगर पार्टनर ने विड्रॉ कर लेंगे तो उनके हाथ में जो पैसा आएगा वो करेंगे, अभी समझेंगे आगे। केस 3 है, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, जब आपकी जो गुडविल है पार्टनर वो किसी काइंड में लाया, कैश में नहीं लाया, संपत्ति में लाया, एसेट्स में लाया, तो उसकी एंट्री क्या होगी? वही सेम, एसेट्स अकाउंट DR2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि वो यहां कैश में नहीं लाया। दूसरी एंट्री सेक्रीफाइजिंग रेशियो में बांटने की एंट्री होगी। अगर पार्टनर्स ने गुडविल विदड्रॉ कर ली है तो उसकी एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट DR2 कैश या बैंक अकाउंट। अब देखो यहां समझने वाली बात है बेटा, दो केस हैं, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। मान लो पार्टनर को गुडविल लानी थी 12,000, लेके आया 8,000, कितनी रह गई? 4,000। तो ये 4,000 हम कैसे शो करेंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट के नाम से 4,000 की कमी रही है। एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR इसमें 8,000, जो नया पार्टनर आया उसके नाम से करंट अकाउंट 4,000 और टोटल कितनी बटेगी? 12,000। लेकिन अगर पूरी की पूरी नहीं आ रहा था तो प्रीमियम नहीं आता, प्रीमियम की जगह क्या आता है? डायरेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट DR2 सेक्रीफ, बट बटना तो है ही पार्टनर्स में, है ना? बटना तो है, सेक्रीफाइंग रेशियो में बटना तो है। ये गुडविल के कुछ केसेस होते हैं। उसके बाद आपकी हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, बच्चों को यह बहुत दिक्कत देता है, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। इस पर क्वेश्चन 1 मार्क्स में या 2-3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। देखो हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है? हिडन गुडविल वो गुडविल होती है जो हमारी कैपिटल में ही छुपी हुई है। उसे हम कैसे निकालते हैं कि जो हमारा नया पार्टनर आया उसकी जो कैपिटल है उससे उसके शेयर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, सी नया पार्टनर था और वो कैपिटल आया 2,00,000 रुपए और उसका शेयर था 1/3, तो 2,00,000 × 3/1 कर दो, ये आ गया 6,00,000। उसके बाद आप क्या करो कि जितने भी पार्टनर्स की कैपिटल है नए पार्टनर को मिला के उस कैपिटल को जोड़कर उस टोटल कैपिटल में से माइनस कर दो, आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। या फिर अगर आप नेटवर्थ ऐसे भी निकाल सकते हो कि टोटल एसेट में से टोटल आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दें। नेटवर्थ क्या होती है? वो टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल। यहां तक क्लियर? नो दिक्कत। अब आगे चलते हैं रिजर्व ही रिजर्व, हाय रे हाय, रिजर्व ही रिजर्व। कुछ हमारे रिजर्व होते हैं जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ नहीं होते जिनका नहीं करते। अब कैसे क्या करते हैं समझना बेटा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्युमुलेटेड रिजर्व की बात कर रहा हूं, जो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगे, पार्टनर्स में बांटे जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, लेकिन सिर्फ एडमिशन वाले केस में, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना? कौन कौन से? रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस है तो, और कंटिंजेंसी रिजर्व। ये सारे रिजर्व कहां जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में
ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटे जाएंगे। इनकी एंट्री क्या होती है, जनरल अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल रिजर्व कंटेन टू ओल्ड पार्टनर्स। अब कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं जिनकी कुछ एडजस्टमेंट होती है, जैसे एक होता है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसके आपको ये चीज देखनी है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कितना अमाउंट है और हमारे पास क्लेम कितने का है ना, क्लेम कितने का है और अमाउंट कितना। तो देखो पहला केस है हमारा व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपियर इन द बैलेंस शीट, WCR बैलेंस शीट में अपियर है और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, सीधा सारा का सारा बट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या होगी, WCR टू ओल्ड पार्टनर्स। अगर कोई क्लेम है, व्हेन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एसेट्स एट ए वैल्यू विच इज लेस देन दैट अपीयरिंग द बैलेंस शीट, आपको रिजर्व दे रखा है 20,000 का, रिजर्व दे रखा है 20,000 का और क्लेम आ गया 5,000 का, यानी कि क्लेम की वैल्यू बैलेंस शीट में जो रिजर्व दे रखा है उससे कम है, तो हम क्या करेंगे, रिजर्व दे रखा था 20,000 का, क्लेम आ गया 8,000 का, तो कितना पैसा बच रहा है 12,000, इस 12,000 को बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इसी में आता है कि अगर आपको जो क्लेम आ गया उसकी वैल्यू ज्यादा है बैलेंस शीट के अमाउंट से, तो जितनी वैल्यू ज्यादा है वो सारा का सारा अमाउंट रिवैल्यूएशन में आता है, ये ध्यान रखना। सेम फंडा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी अपनाया जाता है। उसके बाद में बात करूं, फॉलोइंग आइटम विल ऑलवेज बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। अभी मैंने बात करी थी कि कौन कौन से आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाते हैं, अब मैं बात करूंगा कौन कौन से आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर उसका डेबिट बैलेंस दे रखा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सारे अकाउंट अगर आपको कुछ समय दे रखे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ये डेबिट साइड में जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड इश्यू के हिसाब से। और लास्ट रिजर्व में, ये सारे वो रिजर्व हैं जिनका आपको कोई भी ट्रीटमेंट कहीं नहीं करना, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आप भटकना मत। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, टैक्सेशन फंड, एम्प्लॉय सेविंग फंड और मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, ये सारे वो फंड है जिनका आपको कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं। अकाउंट देखो, रीवैल्यूएशन का मतलब ही क्या है कि जो हमारी एसेट्स है और लायबिलिटी है उसकी रीवैल्यू होगी। रीवैल्यू को हम प्रॉफिट एंड लॉस, रीवैल्यू को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, पहले तो ये बात ध्यान रखना। रीवैल्यूएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो अगर आपसे कहेगी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो डर मत जाना, वो रिवैल्यूएशन की भी बात करेगा। तो गुरुजी ये बताइए कि रिवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ी। रिवैल्यूएशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर कोई नया पार्टनर आता है तो वो ये नहीं चाहता कि मैं आते ही आते लॉस झेलूं, है ना। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो वो ये नहीं चाहता कि मैं आते ही आते लॉस झेलूं। और अगर कोई नया पार्टनर आता है और जो हमारे पुराने पार्टनर हैं वो नहीं चाहते कि वो आते ही आते कोई प्रॉफिट नए पार्टनर को दे, तो वो क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और तब तक का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर है? यस सर। तो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया था कि वो सारे अकाउंट जो हमें लास्ट में या तो प्रॉफिट देंगे या लॉस निकाल के देंगे वो सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो रिवैल्यूएशन हमारा कौन सा अकाउंट है बेटा, सर नॉमिनल अकाउंट है। और जैसा कि अगर आपने गलती से क्लास 11th में अकाउंट्स के गोल्डन रूल पढ़े हो, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं अगेन बताता हूं कि नॉमिनल अकाउंट हमारे वो सारे अकाउंट होते हैं जिसमें ये रूल फॉलो होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, नॉर्मल अकाउंट में कौन सा रूल फॉलो होता है कि सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो चलिए मैं पहले आपको
दो तरीके से रिवेल्यूशन बताऊंगा, एक तो उनका अकाउंट टाइप और एक जनरल एंट्रीज। रिवेल्यूशन अकाउंट का स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसमें पापा वाला फॉर्मेट बनाता हूं। पापा मींस पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये साइड मेरी डेबिट कहलाती है, मींस डीआर, और ये साइड मेरी क्रेडिट कहलाती है, मींस सीआर। इसका मतलब कि सर सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ जाएंगे? डेबिट में। और सारे इनकम एंड गेन कहाँ जाएंगे? क्रेडिट में। या मैं कह सकता हूं कि सारे नुकसान, अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है, वो कहाँ आएगा? डीआर साइड में रिवेल्यूशन के। और अगर आपको कोई फायदा हो रहा है तो कहाँ आएगा? सीआर साइड में रिवेल्यूशन के। पॉइंट बाय पॉइंट समझना। फर्म की एसेट्स कम हो गई, फर्म की एसेट्स कम हो गई, ये नुकसान है फर्म के लिए या फायदा है? फर्म की एसेट्स कम हो गई, ये फर्म के लिए नुकसान है, और नुकसान कहां जाएगा? डीआर में, यानी कि टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। यही अगर फर्म की एसेट्स इंक्रीज हो जाती तो क्या होता? ये फायदा होता, तो ये कहां आता? सीआर साइड, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। इसी की तरह फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, फर्म के लिए फायदा आया है, नुकसान? नुकसान है, कहां आएगा? डीआर साइड, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। फर्म की लायबिलिटी कम हो गई, फर्म की लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हुई, फायदा हुआ फर्म को, कहां आएगा? बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अकाउंट क्लोज करते ही करते अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल गई, तो जब आपको अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल गई, यानी कि आपकी एसेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी, उसको आप बेच सकते हो, पैसा आएगा, तो ये हमारा कहां आएगा? बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल रही है तो सीआर है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहां जाएगी? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सर डीआर में जाएगी। ये तो हमारी यहां बात हो गई। अब एक चीज ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से सुनना बच्चों, यहां समझना कि आपको लायबिलिटीज में दो टाइप के रिजर्व दे रखे होते हैं या फंड दे रखा होता है। एक आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, और एक आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये हमने दो रिजर्व बना रखे हैं, लायबिलिटी में शो होगा आपको बैलेंस शीट जो दे रखी होगी। मान लो यहां रिजर्व की वैल्यू 40,000 है और यहां वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वैल्यू 60,000 है। जब तक जो हमारा क्लेम होगा वो इन वैल्यू के अंदर अंदर रहता है, तो हमारे रिवेल्यूएशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्कमैन सेशन जो क्लेम था वो 40,000 है, 50,000 है, 55,000 है, 59,000 है, इसके अंदर अंदर है, इसके तक है, तो हमारी रिवेल्युएशन में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। जहां इससे एक रुपया भी ज्यादा आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपसे कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एस्टीमेट किया जा रहा है 62,000 का, रिजर्व कितना बनाया? 60,000 का, एस्टीमेट कितना? 2,000 का। 2,000 से क्या हो गया? बढ़ गया। कहां आएगा? डीआर साइड, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लियर है? सेम अगर ऐसा ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में होता है तो भी वो यही आएगा, टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये आपका रिवेल्यूशन अकाउंट बनके तैयार हो गया। अब आपको ये देखना है कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस, यानी कि ये साइड ज्यादा है या ये साइड। अगर ये साइड ज्यादा है तो यहां जो बैलेंस करें वो हम करेंगे पार्टनर्स के खाते में, ओल्ड पार्टनर्स के खाते में, ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट शेयर हो जाएगा। ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। तो जो लॉस होगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाया फॉर्मेट।
अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ जनरल बेसिक एंट्रीज एडजस्टमेंट जो होती है हमें। सबसे पहले बताओ एंट्रीज तो मैं यहीं से आपको बता सकता हूं। देखो ये आपका रिवेल्यूशन का फॉर्मेट है, ओके। अगर आपको यहां की एंट्रीज पास करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कह रहा है कि आपकी एसेट्स इंक्रीज हुई, एसेट्स इंक्रीज हुई, एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवेल्यूएशन। एसेट रिड्यूस हुई, एंट्री क्या होगी? रिवेल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स। वो वैल्यू आएगी जो बढ़ रही है या घट रही है। लायबिलिटी इंक्रीज हुई, एंट्री क्या होगी? रिवेल्यूशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटी। लायबिलिटी डिक्रीज हुई, एंट्री क्या होगी? लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रिवेल्यूएशन। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवेल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आई, रिवेल्यूएशन अकाउंट डीआर टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन, इनकी एंट्री क्या पास होगी? रिवेल्यूशन अकाउंट डीआर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या रिवेल्यूशन अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। रिवेल्यूशन का प्रॉफिट शेयर होगा तो रिवेल्यूशन अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स, लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रिवेल्यूशन ओल्ड पार्टनर्स। ये आपकी एंट्रीज हैं। अब मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट बताऊंगा जहां बच्चों को दिक्कत आती है। सबसे पहली बात समझते चलना वर्ड डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन या एप्रिशिएट। मतलब होता है कि वैल्यू में कमी आई, वैल्यू में कमी आई, और एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है कि वैल्यू बढ़ गई। अब इसमें अगर आपसे कह रहा है कि स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय, यानी कि स्टॉक इतने से डेप्रिशिएट होगा, कम हो गया, कहां आएगा? टू साइड आएगा। स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय यानी कि बढ़ गया, स्टॉक क्या है? एसेट्स है, बढ़ गई, कहां आएगी? बाय साइड आएगी, यानी सीआर साइड। एक चीज का और ध्यान देना है, क्वेश्चन में आपको टू और बाय बहुत समझना है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टॉक वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड टू, मींस स्टॉक की वैल्यू यहां तक इंक्रीज हो गई, तो आपको क्या देखना है कि बैलेंस शीट में कितना है और लायबिलिटी जो हमें एडजस्टमेंट दे रखा है उसमें वैल्यू कितना है। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में दे रखी है स्टॉक की वैल्यू 2 लाख, एडजस्टमेंट में दे रखा है 2,40,000, कितना बढ़ गया? 40,000, कहां आएगा? बाय साइड में। लेकिन अगर आपसे कह रहा है बाय यानी कि स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड कितना? बाय 2,40,000, यानी कितनी बढ़ गई? 2,40,000 बढ़ गई। ये पूरा का पूरा वैल्यू कहां जाएगा? बाई में। ये हमारा डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, ये बेसिकली बच्चे कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत कहां आती है? ओवर वैल्यूड वाले में, ओ हो हो, और अंडर वैल्यूड वाले में। अरे सर, आपने तो हमारी दिल की बात ही छीन ली, हम यही कहने वाले थे अभी। ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? ओवर वैल्यूड, किसी की वैल्यू ओवर वैल्यूड पाई गई थी नहीं, किसी की वैल्यू ओवर वैल्यूड पाई गई थी नहीं, तो हम क्या करेंगे? उसकी वैल्यू कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी वो ओवर वैल्यूड है, थी नहीं, ओवर वैल्यूड है, तो कम करेंगे, कहां आएगा? टू साइड आएगा। स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड है, कम करेंगे, टू साइड आएगा। लेकिन अगर अंडर वैल्यू दे रखा है, अंडर वैल्यूड का मतलब कि किसी भी चीज की वैल्यू कम नहीं थी, कम दिखाई गई या कम शो हो रही है, तो क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यू दे रखी है मतलब क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, बाय में स्टॉक आएगा। किसी भी चीज की वैल्यू के आगे अंडर वैल्यू लगा हुआ यानी कि वो वैल्यू अंडर वैल्यू पाई गई थी नहीं, क्या ट्रीटमेंट होगा इसका? जस्ट उल्टा, ओवर वैल्यूड है घटाएंगे, अंडर वैल्यूड है बढ़ाएंगे। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट, आपसे कह रहा है 3,000 के जो क्रेडिटर्स थे उसका पेमेंट नहीं करना, कोई लायबिलिटी थी उसका पेमेंट नहीं करना, कोई भी लायबिलिटी आपको पेड करनी थी वो 4,000 से कम हो गई, क्या हुआ है? ये आपकी लायबिलिटी कम हुई है ना, जब लायबिलिटी कम होगी तो कहां आएगी? सर हमारी ये लायबिलिटी बाई साइड में आएगी, सीआर साइड। क्लियर है? कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा दे रखा है, कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा दे रखा है, ये क्या है हमारा? जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है, आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है, ये हमारी क्या है? ये लायबिलिटी है। ये बढ़ेगी कहां आएगी? टू साइड में। घटेगी कहां जाएगी? बाय साइड में। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहां जाएगी? टू साइड में। अनरिकॉर्डेड एसेट कहां जाएगा? बाय साइड में। यहां तक क्लियर है? यस सर। एक क्वेश्चन, डेप्टर्स आर ऑल गुड्स, डेप्टर्स आर ऑल गुड। कुछ कुछ बच्चे कहते हैं कि डेप्टर हमारे गुड है
डेप्टर आर ऑल गुड्स का मतलब कि जितने भी आपके डेप्टर हैं उन पर जो प्रोविजन बनाया है वो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे डेप्टर हमें पैसा देंगे। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में डेप्टर आर ऑल गुड्स यानी कि डेप्टर की वैल्यू में जो प्रोविजन बनाया है वो बनाने की जरूरत नहीं है, उन प्रोविजन को हटा दो। और जब उन प्रोविजन को हटाओगे तो वो कहां आएगा, बाई साइड में। प्रोविजन का बहुत लफड़ा रहता है, हर क्वेश्चन में प्रोविजन की बात आएगी आएगी, उसमें आपको क्या करना है, देखो आपको बैलेंस शीट में डेप्टर दे रखे होंगे और लेस प्रोविजन दे रखा होगा। मान लो ये 10,000 है डेप्टर, 500 के प्रोविजन है, बाहर कितना है 9,500 डेप्टर। क्वेश्चन में कहा गया प्रोविजन मेड 5%, हम क्या करेंगे 10,000 का 5% निकालेंगे, कितना होगा 500 ही होगा, जरूरत नहीं है। प्रोविजन मेड 10%, 10,000 का 10% कितना हुआ 1,000, 500 का पहले ही बना चुके हैं तो 500 का प्रोविजन कहां जाएगा, टू साइड में। अगर यही कहता कि प्रोविजन मेड 4%, 10,000 का 4% 400, यानी कि यहां 500 है 100 रुपए कम होगा, कहां जाएगा, बाई साइड में प्रोविजन जाएगा। प्रोविजन वुड बी इंक्रीज्ड बाय 5% फलाना परसेंट, तो वो बढ़ाना पड़ेगा। प्रोविजन का झंझट बहुत ही ज्यादा दिक्कत देता है, इसलिए ये कंसेप्ट आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। यहां तक क्लियर है, यहां कोई दिक्कत है? नो सर, यहां कोई दिक्कत नहीं है। आपसे अचानक से कहे कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहां जाएगा, पैसा आया ना आपके पास, बाई साइड में जाएगा। आपसे कहा जाए कि हमारी कोई कमीशन हमें रिसीव्ड हुई, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कहां जाएगा, टू में आएगा, टू एडवांस कमीशन। क्लियर है? यस सर। प्रीपेड इंश्योरेंस कहां है, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है बेटा, हमारी प्रीपेड लगा हुआ है ना, एसेट्स है, कहां आएगा बेटा, बढ़ेगा कहां आएगा, बाई साइड में आएगा। क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपको बस मेन ध्यान कहां देना है, प्रोविजन पर देना है, प्रोविजन कितना दे रखा है और पहले का कितना दे रखा है, वैल्यू का गैप लेके करेंगे हमेशा कि उसमें वैल्यू में और पिछली वैल्यू में गैप। ये एक ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली बच्चों के लिए दिक्कत में है ही। और देखो एक खुशी की बात देखो कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी बनानी पड़ेगी पार्टनर्स कैपिटल, रिटायरमेंट में भी बनानी पड़ेगी पार्टनर्स कैपिटल, डिसोल्यूशन में भी बनानी पड़ेगी पार्टनर्स कैपिटल। तो आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, बहुत ही ध्यान से बेसिक से समझना, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना वरना आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। यानी कि पहले मैं बताऊंगा कि बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाओगे, भाई एडजस्टमेंट तो जब ही करोगे ना जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, है ना। तो सबसे पहले देखो मैं बात करूंगा अगर आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे, किसका बना रहे हो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे रिवैल्यूएशन के बाद। और मैंने मान लिए जब एडमिशन की बात हो रही है तो दो पार्टनर मान लिए मैंने पुराने हैं और एक पार्टनर नया है, मान लिए मैंने दो पार्टनर ए और बी पुराने हैं और नया जो आया है वो आया है सी, तो मैंने दोनों साइड तीन तीन पार्टनर के लिए कॉलम कर लिए, एक है ए के लिए, एक है बी के लिए और एक है सी के लिए। अब भाई देखो आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, उन पॉइंटों की बात मैं बिल्कुल सारे पॉइंट क्लियर करूंगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। ये साइड मैंने मान लिया डीआर है मेरा और ये साइड मैंने मान लिया सीआर है मेरा, ठीक। यहां पर्टिकुलर्स तीन पार्टनर के नाम बोले थे मैंने, ए बी और सी, यहां भी पर्टिकुलर्स तीन पार्टनर के नाम बोले मैंने, ए बी और सी। सी कौन है, सी नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर, ओके क्लियर है, ओके। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल में एडमिशन वाले में, हम ये देखते हैं कि जो हमारे पुराने पार्टनर हैं क्वेश्चन में उनकी आपको दे रखी होगी कैपिटल, जो हमारे पुराने पार्टनर हैं क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी उनकी कैपिटल, आपको क्या करना है वो डालना है कैसे, बाय बैलेंस बीडी ए और बी, भाई ए और बी तो ही ओल्ड पार्टनर्स, तो बाय बैलेंस ए और बी। अगर ये कैपिटल लायबिलिटीज साइड में दे रखी है तब तो बाय बैलेंस बीडी ए और बी,
अगर यही कैपिटल एसेट साइड में दे रखी होती तो यहां आता टू बैलेंस, जिस पार्टनर की दे रखी है उसका नाम। ये क्लियर है? यस सर, ये क्लियर है। नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो वो दो चीज लाता है, कैपिटल लाता है और गुडविल लाता है। गुडविल के कंसेप्ट है, कैपिटल तो वो लाता ही लाता है वरना एडजस्टमेंट होती है फिर। तो जब नया पार्टनर जितनी कैपिटल लेके आता है वो हम डालते हैं बाई बैंक अकाउंट और उसके नाम के अंदर। या हमने दो दो ट्रीटमेंट करा, एक करा हमने पुराने पार्टनर की कैपिटल डाल दी और एक करा हमने जो नया पार्टनर आया कैपिटल लेके आया वो डाल दिया। अब ये बताओ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो इससे पहले हमने क्या बनाया था सर? सर इससे पहले हमने बनाया था रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है यानी कि टू साइड, वो यहां डाल दीजिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। किनको बटेगा? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में बांटा होगा। ठीक, अगर आपको रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ तो यहां टू रिवैल्यूएशन क्या हुआ? लॉस हुआ ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में। यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा बेटा, यानी कि क्वेश्चन में कुछ रिजर्व आपको देखने हैं कि अगर वो दे रखे हैं तो वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटे जाएंगे। जैसे कि रिजर्व फंड, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटे जाएंगे, यानी कहा आएगा बाई साइड में, सीआर साइड में। कैपिटल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कंटिंजेंसी रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग, और लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो। ये सारी चीज अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी है, बैलेंस शीट में दे रखी है, लायबिलिटी साइड में दे रखी है, तो इन सारी चीजों को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे और ये कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल की बाई साइड में। कहां आएगा? पार्टनर्स कैपिटल की बाई साइड में, यानी कि बाय रिजर्व काउंट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। यहां तक क्लियर है? हाँ। कुछ रिजर्व हमारे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ एडजस्टमेंट होती हैं। बेसिकली दो होते हैं, एक आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए समझना बेटा ध्यान से, बहुत से बच्चे दिक्कत देते हैं उसमें। मान लीजिए लायबिलिटी में आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया है वो है 80,000 का। ठीक, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दे रखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है वो एस्टीमेट किया जा रहा है 65,000 का। रिजर्व कितने का बनाया था? 80,000 का। कितने का एस्टीमेट करा जा रहा है? 65,000 का, यानी कितने बचे? 15,000। ये 15,000 रुपए कहां जाएंगे? बाई साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बांट दिए जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन यही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 का है और मान लीजिए एस्टीमेट करा जा रहा है कितने का? 1,00,000 का। रिजर्व कितने के थे? 80,000 के बनाए जा रहे हैं। लायबिलिटी कितनी क्लेम हुई? 1,00,000, यानी कि कितने बढ़ गए? 20,000। पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा ये जो 20,000 का हमें घाटा हो रहा है, ये कहां आएगा? रीवैल्यूएशन के डीआर साइड में। यही सेम फंडा हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के टाइम पर अपनाते हैं, यानी कि अगर हमारे रिजर्व की वैल्यू ज्यादा है तो बांटते हैं, नहीं ज्यादा कम है तो हम क्या करेंगे? वही रिवैल्यूएशन के ट्रीटमेंट। अब मैं कुछ आपको ये बताऊंगा वो सारे आइटम जो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डीआर साइड में जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा ओल्ड रेशियो में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां जाएगा, डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल। और लास्ट मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज पार्टनर्स के यहां डेबिट साइड में जाएगी, है ना। तो सभी के लिए मैंने एक ही वर्ड यूज कर दिया है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। कुछ चीजें ऐसी हैं अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं फिर भी बेटा मत डाले आना, मत बांटे आना। कौन कौन सी चीज सर बता दीजिए। पहला एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, क्योंकि ये ना तो प्रॉफिट है ना ही कोई रिजर्व है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कहीं मत बांट देना पार्टनर्स कैपिटल में। टैक्सेशन फंड एम्प्लॉई सेविंग फंड, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, ये सारे चार पांच ऐसे फंड हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा कहीं मत बांटे आना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, याद रखना अच्छे से। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक पॉइंट क्लियर है कि नहीं है ये बताइए, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें अब हमारा क्या चीज करने को रह गया है। देखो बेटा, जब रिजर्व हो गया, एक्यूनेट प्रॉफिट वगैरह सब आ जाएगा, उसके बाद जब नया पार्टनर आएगा तो गुडविल लेके आएगा, और वो गुडविल पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटी जाती है। जो पार्टनर आएगा वो गुडविल पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटी जाती है। तो यहां कौन आया था नया पार्टनर, सी पार्टनर्स हैं उनको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल वो बट जाएगी। अगर ये गुडविल हमारा जो पार्टनर है, अगर ये गुडविल हमारा जो पार्टनर है वो कैश में नहीं लाया, क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन आपने ऐसे करे होंगे वो गुडविल कैश में नहीं लाया, आपने गुडविल निकाली, तो ये नाम नहीं आएगा, तो आएगा बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। क्यों, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश लेकिन बटेगी किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहां तक क्लियर है, यस सर यहां तक क्लियर है। अगर ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया, अगर ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया तो वो कहां आएगा, यहां आएगा, यह बाय था यहां, या टू में विड्रॉ कर लिया, तो जितना जितना विड्रॉ किया वो यहां आएगा। अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल आपको अपियर्ड है, अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल आपको अपियर्ड है तो वो गुडविल क्या होगी, बांटी जाएगी। बैलेंस शीट में कहां अपियर्ड होगी, वो एसेट साइड में, तो कहां आएगी, टू साइड में। क्लियर है यहां तक, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर हुआ।